रजत समाज उज्जैन द्वारा दशहरा मिलन समारोह संपन्न। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। श्री मालवीय रजक जन कल्याण सेवा समिति एवं सकल रजक समाज उज्जैन द्वारा दशहरा मिलन समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रजक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष माननीय महेश जी ढालिया थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सामाजिक सद्भाव के प्रांतीय सह संयोजक एवं समिति के संरक्षक श्री विपिन जी आर्य उपस्थित थे। श्री महेश जी ढालिया के रजक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष बनने के उपरांत प्रथम बार उज्जैन नगर आगमन पर कार्यक्रम में भव्य स्वागत सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में रजक समाज के लगभग 1500 लोग सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का संचालन संस्था के सचिव हितेश मालवीय ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यक्रम के प्रभारी एवं समिति अध्यक्ष श्री नीलेश जी बिलोदिया, शैलजी लश्करी, चंदू पहलवान, श्री नारायण जी बाधवी, श्री श्याम जी सिकोनिया, श्री नरेंद्र जी खाटवा, श्री यशवंत जी निरोलिया, श्री रामजी लाल भरत जी मालवीय, प्रहलाद जी मुदे, रामजी लाल खालोटिया, नीलेश मालवीय, कृष्ण माइकल, राजेश जी, मुकेश जी, महेश जी निरोलिया, भूपेंद्र जी मालवीय, रवि जी बाघेला, सतीश जी, संजय जी, प्रवीण जी, अंकित जी, योगेश जी एवं समिति के ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में आभार समिति के अध्यक्ष श्री नीलेश जी बिलोदिया द्वारा व्यक्त किया गया। यह जानकारी समिति के सचिव हितेश मालवीय ने दी। सर, रजक समाज द्वारा किस प्रकार का आयोजन किया गया है? दशहरा मिलन के प्रारंभ में एक कार्यक्रम किया गया है रजक समाज का। क्या उद्देश्य क्या है इस दशहरा मिलन और जो बोर्ड के जो अध्यक्ष बने हैं उनका परिचय? आप बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, क्या योजना है समाज के लिए? समाज के लिए, हमारा समाज हमारे काम में पिछड़ा हुआ रहता है, उसको जो शासन की जो योजना है इसकी जानकारी नहीं रहती है। तो बोर्ड के माध्यम से जो जो भी सुविधाएं शासन के द्वारा मदद रहेगी वो पूरी की पूरी समाज के अंदर पूरी 231 विधानसभा में एक साथ वितरित करके और समाज को जितना फायदा मैं पहुँचा सकता हूँ उतनी मैं कोशिश करूँगा। समाज का जो मेन मुद्दा है अनुसूचित जाति का, जी सालों से पेंडिंग चला आ रहा है, सरकारें बदलती है और सरकार अभी तो कंटिन्यू है शिवराज जी की, लेकिन अब चुनाव के समय ही उनको क्यों याद आ रही है रजक कल्याण बोर्ड की? ये तो नेता उनका थोड़ा सा सोचना रहता है, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकारा है शिवराज। इतने सालों बाद स्वीकारा, क्या आप स्वीकारते हैं इस चीज़ को कि इतने साल लगा दिए और आंदोलन तो सालों से चले आ रहे हैं? सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि अब हम रजक समाज के लिए आगामी 5 वर्षों में बहुत सारी योजनाएं लाएंगे। इतने सालों की संघर्ष के बाद अब आपको बिल्कुल निश्चिंत हैं आप कि अब आपका काम हो जाएगा समाज का? जिस हिसाब से उन्होंने आश्वस्त करा और जिस हिसाब से मेरे को नियुक्त करा है तो मैं तो काम कराऊंगा, चाहे फिर किसी भी रूप में मेरे को काम कराना पड़े, काम तो मैं समाज के लिए तो कराऊंगा। आपका शुभ नाम? महेश ढालिया। क्या पूछेगा पहले बोलते? आज किस प्रकार का आयोजन किया गया रजक समाज द्वारा? आज रजक समाज का दशहरा दिवाली मिलन समारोह का आयोजन उज्जैन मालवीय रजक समाज और सकल रजक समाज द्वारा किया गया। भगवान श्री राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला विराजित होने वाले हैं और हम सब लोग उसी तारतम्य में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हजारों वर्षों की इस तप के बाद आज ये सुनहरा पल कि हम सब लोग साक्षी बन रहे हैं कि भगवान श्री राम लला 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर अयोध्या में विराजित होंगे। उसी तारतम्य में ये दशहरा और दिवाली का मिलन समारोह हमने किया गया, इसमें रजक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सम्मानी महेश जी ढालिया का उज्जैन पंचायत द्वारा स्वागत और वंदन किया गया। आपका शुभ नाम? मैं नीलेश बिलोदिया, अध्यक्ष मालवीय जन कल्याण सेवा समिति उज्जैन पंचायत। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और बने रहे द खबरदार न्यूज पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।